नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर यूपी के जनपद कानपुर देहात से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी और सेंगुर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी और सेंगुर नदी से सटे सैकड़ों गांवों में पानी बढ़ जाने से बाढ़ जैसी समस्या बनी हुई है। ताजा मामला कानपुर देहात जनपद के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मूषानगर पंचायत के पास ग्रामीणों क्षेत्रों का है, जहां लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दर्जनों गांवों में पानी पहुंच गया है। बाढ़ जैसी स्थिति आ जाने पर ग्रामीणों का पलायन जारी है। लोग अपने घरों का सामान एवं आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। दर्जनों गांवों में बाढ़ आ जाने से शासन द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं एवं दवा खाद पदार्थ आदि प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी को लेने SDM भोगनीपुर दीपाली भार्गव मौके पर पहुंची। बुरे हालात है, पूरा गांव घिरा हुआ है और बाढ़ में जो है परेशानी हो रही है। हर चीज आने जाने में बोट जो है, बोट एक टूटी बोट है, एक सही है, आने जाने में दिक्कत आ रही है। अरे पानी किस स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है अभी? बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप लोग जा रहे थे वहाँ रह के सुरक्षित जगह में जा रहे हैं रहने के लिए? हाँ, ये खाली हो रहे हैं मकान, खाली कर कर के लोग सुरक्षित जगह पहुँच रहे हैं। अच्छा, अधिकारी कोई आता है आपके यहाँ? अधिकारी तो अभी आए नहीं है, लेकिन आए हैं DM साहब, आए हैं, वो आए हैं, अधिकारी आए वो भी देख रेख करने के लिए आए। बाढ़ आ रही, किस तरीके से पानी बढ़ रहा है? पानी जोर से बढ़ रहा है। अगर जी लड़का बच्चा भूस घास कहाँ भरन बताओ, अच्छा कहाँ रहन, कहूँ सुविधा इसी देव की, कहूँ रहन लगन, कहूँ करन खान लगन। अच्छा, बाढ़ आती है तो लगभग कितने घर चपेट में आ जाते हैं? घर में शायद वहाँ आ जाते हैं 100-150 घर तो आए जाते हैं, इतना घर आ जाते गाँव के भीतर। अच्छा, अभी कितनी तेजी के साथ पानी बढ़ रहा है? अब बहुत तेजी है, इतनी तेजी बताओ, गाँव सामान ले कितना शाम लगा दे। अच्छा, आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं तो सामान लेके किस कोई सुरक्षित स्थान के लिए निकल रहे हैं रहने के लिए? सुरक्षित का बाहर गाँव धर रहे हैं जाके, डड़िया डिगड़िया भाई आई है, जब घर नहीं है तो कहाँ घर है, तो ये डूब रहे हैं। अच्छा, आने जाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है यहाँ से निकलने के लिए? आने जाने के लिए एक नाव डरी है, सरकारी डरगाह आ गई है, काल छोटी डोंगी डरा गए। हाँ, एक नाव डरी है, यही तो है डोंगी, मौके में खड़ी है। अच्छा, एक मछरिया का ट्रेन डरी है। खाने पीने के लिए कोई इंतजाम? खाने पीने का आवे तो नहीं आवे, सरा हुए पर मतलब देवा वाले का हो, देखो झूठ बोलने से अभी नहीं कोई सुनाई है। अधिकारी कोई आया आपके यहाँ? अधिकारी नहीं, वो इसे नहीं आए कोई, ऐसे यही एक मैडम जी आई हैं, अब यही अधिकारी सर। मुसानगर क्षेत्र में बाढ़ आई है, क्या हालात है इस समय? यहाँ पथार और क्योटरा बांगर गांव में पानी का स्तर बढ़ गया है और दो घर इसमें पथार गांव में जल से प्रभावित हैं, उन लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। क्योटरा में भी हम नज़र बनाए हुए हैं, अभी विस्थापन की आवश्यकता नहीं पड़ी है, परंतु विस्थापन करने के लिए भी स्थान चिन्हित कर लिया गया, लगातार फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं और भी राहत सामग्री यहाँ पहुँचाई जाएगी। मतलब बाढ़ आने से कितने गांवों का संपर्क मार्ग जो है टूट चुका होगा? लगभग आसपास के 4 गांव का इधर संपर्क मार्ग टूट चुका है और हम लोगों ने एक प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ी नाव की यहाँ व्यवस्था की है, एक नाव और स्टैंड बाई पे है, आवश्यकता पड़ेगी तो उसे भी चलवाया जाएगा। मतलब पानी का स्तर क्या लगातार अभी बढ़ रहा है, कुछ रुका है? पानी का जल स्तर लगातार बढ़े जा रहा है और जो यमुना का बाढ़ का स्तर है वो 108 मीटर है, 107 मीटर से अधिक यमुना पहुंच चुकी है।